पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में स्थित मंगलदेह एक छोटा लेकिन काफी तेजी से विकसित होता हुआ शहर है। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर बसा यह शहर राज्य की राजधानी गुवाहाटी से सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। माना जाता है कि दरंग के कोच किंग लक्ष्मी नारायण की सुपुत्री मंगला दही के नाम से इस जगह का नाम मंगलदेह रखा गया। यह शहर दरंग डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये शहर काफी आगे है। यहाँ की एवरेज लिटरेसी रेट 93% है, जो नेशनल लिटरेसी रेट से काफी ज्यादा है। यहाँ पे कई सारी ऐतिहासिक शिक्षा प्रतिष्ठान हैं, जैसे मंगलदेह कॉलेज, मंगलदेह सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जैसे विद्यालय इस जगह की शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही कुछ नए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इस मामले में मंगलदेह का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ लगभग सभी धर्म के लोग आपको मिल जाएंगे, जो सालों से एक दूसरे के साथ भाईचारे से रह रहे हैं। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी दरंग डिस्ट्रिक्ट का एक अलग ही पहचान है। यहाँ के फोक आर्ट और कल्चर में बरधुलिया, ओजापाली, सियान गीत, देह विचार गीत, देवधनी डांस, ढेपा धोलिया, नंगली गीत, बागुरुम्बा डांस, खेराई डांस, झूमर डांस ये सब प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बात करें तो ये शहर इसके साथ बहता विशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी और इसके कई उपनदियों के कारण काफी खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ के ग्राम्य जीवन धारा किसी के भी मन को मोहित करने में सक्षम है। साथ ही आधुनिकता से कदम मिलाते हुए यहाँ पे कई सारी प्रोजेक्ट्स सरकार और कुछ प्राइवेट सेक्टर जैसे SRD के द्वारा लिए गए हैं, जो इस जगह की खूबसूरती पे चार चांद लगा रहे हैं। दोस्तों, बात अगर मंगलदेह की हो रही है तो इसके इतिहास से जुड़े पत्थरघाट की लड़ाई के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। 1894 के 28 जनवरी को ब्रिटिश सरकार और यहाँ के किसानों के बीच जमीन के लगान को बढ़ाने के लेके एक जंग हुई, जिसमें 140 किसानों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये एक नींव था। अफसोस की बात यह है कि 1919 के 13 अप्रैल में हुए जालियांवाला बाग के नरसंहार के बारे में तो सबको पता है, लेकिन उससे 35 साल पहले हुए पत्थरघाट की लड़ाई और यहाँ के किसानों के नरसंहार के बारे में शायद ही लोगों को पता है। आज भी हर साल 29 जनवरी को असम के सरकार और इंडियन आर्मी द्वारा इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। ठीक ऐसे ही एक और ऐतिहासिक जगह है यहाँ का 450 साल पुराना खतरा सत्र, जो पूरे दरंग डिस्ट्रिक्ट की शान है, पर आज भी बहुत से लोग इन सब बातों से अनजान हैं। पर हम चाहते हैं कि यहाँ के इतिहास के बारे में सिर्फ असम को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता हो। दोस्तों, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करें, ताकि भारत सरकार तक ये बात पहुंचे और सरकार यहाँ इस जगह की संरक्षण और इसकी डेवलपमेंट का ध्यान रखे।
दोस्तों, क्या आपने भी कभी इस जगह को विजिट किया है या इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मुझे यकीन है कि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रह गई है जो मैंने नहीं दिखाई। अगर आप इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। उम्मीद करते हैं 1000 लाइक्स की। अगर आप चैनल में नए हैं तो ट्रैवल विद जुगल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें।